छजलेट थाना क्षेत्र में गोहत्या और उसके बाद की गई कार्यवाही के संदर्भ में भड़के हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जिलाधिकारी का नाम लिखे ज्ञापन में कहा गया कि 28 जनवरी 2024 रात्रि को मुरादाबाद के थाना छजलेट क्षेत्र के विहिप कार्यकर्ता मोनू बिश्नोई गोकशी की सूचना पर सीओकाट अंकित तिवारी को सूचना देकर उनके निर्देश पर घटना स्थल पर पहुंचे थे, किंतु थाना प्रभारी छजलेट सतेंद्र कुमार शर्मा ने रंजेशन विहिप कार्यकर्ता मोनू बिश्नोई राजीव चौधरी को एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा की मौजूदगी में पीट पीट का जबरन जुर्म कबूल करने के लिए विवश कर दिया और निर्दोष ही जेल भेज दिया। मुरादाबाद जिला पुलिस गो तस्करों से मिली हुई है। विहिप बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार गो तस्करी और गो हत्या के विरोध में कार्य किया जा रहा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पुलिस के सहयोग से गो तस्करों को गो हत्या और गो तस्करी करने में असुविधा हो रही थी, किंतु पुलिस ने गो तस्करों से पैसा लेकर विहिप बजरंग दल की छवि को हिंदू समाज में बदनाम करने और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा। पुलिस ने सरकार की गो संरक्षण की नीति के विरुद्ध कार्य करके संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर विहिप बजरंग दल की मानहानि की है, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज में भयंकर आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर आज अंबेडकर पार्क में सैकड़ों के तादाद में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया और सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। पहले से ही सूचना पर पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम कर रखे थे। ये प्रोटेस्ट एक हमारा कार्यकर्ता जो गौ भक्त है, पूरा क्षेत्र उसे गौ भक्त के नाम से जानता है, वह मोनू बिश्नोई वहाँ के एसओ ने जो वहाँ पे गौ हत्या कराता है, वो वहाँ पे गाय कटवा के पैसे लेता है, हजारों लाखों रुपए कमा रहा है, उसने मोनू बिश्नोई को गौ हत्यारा बना दिया। उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले एसओ छजलेट को गिरफ्तार करो, थाना छजलेट को निलंबित करो और जितने बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच करो। मोनू बिश्नोई को आज ही अभी मुक्त करो, निर्दोष कह गया। यदि अगर नहीं हुआ स्पष्ट चेतावनी। आज तो ये मुरादाबाद का जिले का है, चारों तहसीलों का है, कल को ये प्रांत का होगा और उसके बाद पूरे देश का होगा। तभी कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। किसके कहने से कार्रवाई हुई, कौन दोषी है? मैं कह रहा हूँ उच्च अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी करो, उन्होंने ही ये काम कराए हैं, वो सब दोषी है। एसओ भी दोषी है और वहाँ का थाना भी दोषी है। देखो गया आप बजरंग दल का कार्यकर्ता है, अरे हम तो सड़क पर निकलते हैं गौ माता के लिए, तुम गाय कटवाते हो, हम 4 बजे चौकी भी लगाते हैं, तुम गौ मीटरों के पैसे लेके छोड़ देते हो। हमारे कार्यकर्ता को तनख्वाह मिलती है, एसओ को तनख्वाह मिलती है, उसे टीएडीए मिलता है, मेरे कार्यकर्ता को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। हैं हम देंगे, सीबीआई इंक्वायरी होगी मैं दूंगा प्रूफ, मेरे पास है, मैं साक्ष्य दूंगा।